नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की दौड़ती भागती जिंदगी में जहाँ हम अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, ठीक वैसे ही हमारे जीवन पर कुछ ग्रहों कुछ नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली लेकर और पूछते हैं कि भैया किस प्रकार से हमारे जीवन पर कौन सा ग्रह जो है वो प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जो नव ग्रह रहते हैं वो 12 राशियों पर अपने अपने तरीके से प्रभाव डालते हैं। लेकिन कई बार आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, उसका आपको सफलता जो होती है अगर बात करें काफ़ी देर से मिलती है। इसके लिए आज के आधुनिक युग में अगर मैं बात करूं तो लोग जहां जन्म कुंडली दिखाते तो हैं ही, साथ ही साथ टैरो कार्ड रीडर से जाकर कंसल्ट भी करते हैं और आजकल तो रमन विद्या भी आ गई है। अब इन सब चीज़ों का जो है ताना बाना, इसका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आइए हम इस पर बातचीत करते हैं। और आज हमारे साथ जो शख्स यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं, एक तो सबसे पहले टैरो कार्ड रीडर में बहुत अच्छी पारंगता है, आपके घर में क्या किस प्रकार से घटित हो रहा है वो आपकी जन्म कुंडली के बगैर बता देती है, ठीक। दूसरा, रमन विद्या में भी बहुत पारंगता है और अब उन्होंने एक चीज जो है वो यूनिक लेकर आई है, लेकिन वो क्या है उसके बारे में मैं नहीं बल्कि खुद अर्पिता जी हमें बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अर्पिता जी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सिमरन जी। जैसे कि आपने बताया कि आजकल रमल विद्या आई है जी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। रमल विद्या जो है वो सबसे पुरानी एस्ट्रोलॉजी वाली विद्या है, आजकल चलन में आई है। हाँ। अभी लोग उसके बारे में जानने लगे हैं जी। इसका डेट अगर हम हिस्ट्री जाने तो जब शिवजी ने सती माता को ढूंढा था जी, तो उस समय पे कामदेव ने उनको रास्ता बताया था जी, कि कैसे उनको पता चलेगा कि वो किस दिशा में मिलेंगी, किस दशा में मिलेंगी। तो रमल विद्या जो है हमारे शिव के युग से है, और जिसका मतलब हम बात करते हैं आज के डेट में गोत्र की, एस्ट्रोलॉजिकली हम पूजा पाठ विधि विधान की, तो ये हमारी पौराणिक कथाओं से भी एक पुराना ये है मेथड है जिससे एस्ट्रोलॉजिकली कोई चीज पता की जा सकती है। ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि इसे क्या किया है लोगों ने, इसको जो कंबाइन किया है, तो जो अरबी फारसी में लिखी हुई रमल की जो तकनीक मिली है तो उन्हें लोग जिन्न की भाषा समझते हैं। तो इसे क्या है कि जितना हिंदू लोग मानते हैं उतना ही अरबी फारसी जानने वाले मुस्लिम जो ज्ञाता हैं वो भी उस चीज को उतना ही फॉलो करते हैं। उत्पत्ति सनातन से ही हुई है, और मैंने ये सीखा था अपने क्लास 9th में जबलपुर में ही, एक हमारे प्रोफेसर अंकल हुआ करते थे अग्रवाल अंकल जी, और उनका काफी आना जाना था मंडला जैसे जंगलों में। तो उन्होंने मुझसे कुछ कभी सवाल किया, मैंने उनसे कभी कुछ सवाल किया, तो उन्होंने समय निकाल के मेरे यहाँ रोज रात में 1.5 घंटे आना शुरू किया था कि मेरा होमवर्क हो जाए, सब कुछ हो जाए, और उसके बाद वो आके मुझे रमल सिखाते थे। कितना तो टाइम लगा रमल सीखने में? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीखी तो कभी नहीं जा सकती, प्रैक्टिस है, और ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सीखने में इंसान पूरा अपना जीवन लगा देगा तो उसके लिए वो जीवन भी कम पड़ता है। तो अभी भी मैं सीख रही हूँ जी, ठीक है। रोज नई चीजें आ रही हैं, रोज नित नई साधना कर रही हूँ, सीख रही हूँ। शिव जी जो मेरे गुरु हैं उनके आशीर्वाद से मेरा 13 साल का जाप पीरियड भी पूरा हो गया है, तो पीठ पे बैठने की भी मैं अपने गुरु के अंडर में उत्तराधिकारी बन गई हूँ, व्यासपीठ से भी अब मैं बोल सकती हूँ। तो ये इसमें मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पे। और सनातन धर्म को आगे ले जाते हुए जब राम जी आ गए अयोध्या 500 वर्ष के बाद में, तो सबसे खुशी का मौका ये था कि उस दिन ही मैंने अनाउंस किया था कि जैसे आजकल लोग टैरो के पीछे भाग रहे हैं कि टैरो क्या है, लोग इसको काले जादू से जोड़ते हैं जी, यूरोपियन पद्धति से, वाकई में कुछ विच क्राफ्ट वाले भी प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो टैरो को देखते हैं, और टैरो एक इंट्यूटिव साइंस के रूप में हमारे इंडिया में ज्यादा प्रचलित है। उस टैरो का जो बेस है वो राजा रजवाड़े और उनके दरबार है। तो हमारे प्रभु श्री राम जी के दरबार से बड़ा कौन सा दरबार हो सकता है? तो राम जी के रामायण संस्कृत में लिखी हुई करीबन 19 रामायण जो हैं, जो लोगों को ज्ञात हैं, और उसके साथ में ही हम सब जानते हैं कि माँ सीता जो हैं वो
दर्शन शास्त्री थी, जितना राम जी पढ़े लिखे थे वैसे ही माँ सीता भी पढ़ी लिखी थी। तो आध्यात्म रामायण में शिव जी ने खुद स्वरोदय का वर्णन के अलावा, शिव स्वरोदय जो शिव और पार्वती के संवाद में मिलता है, उसमें जो शिव जी ने राम कथा कही है, राम और सीता जी के, श्री राम जी के लिए और श्री सीता जी के लिए जो उन्होंने बातें बताई हैं, उसमें आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा है। बिल्कुल, और उस आध्यात्म को आधार बनाते हुए जिन लोग जानकार हैं जी, वो जानते भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी देखें कि ये जो गीता प्रेस का ही है और आध्यात्म रामायण है। अभी तक आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, रामायण से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन ये एक नई बात इन्होंने बताई, आध्यात्म रामायण। तो क्या खासियत है अलग? इसकी खासियत यही है सिमरन जी, जी, कि शिव जी ने पार्वती जी को जो कथा सुनाई है सुंदर, श्री राम और माँ सीता की, वो आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई कथा सुनाई है। और इसमें कागभुसुंडी जी हैं जिन्होंने रामायण को सुनाया है कई रूपों में, खग मृग वृंद सबको जो सुनाते आए हैं। तो शिव जी ने उसको बहुत अच्छे से पार्वती जी को एक्सप्लेन किया है जी। और श्री राम कथा अगर शिव जी के श्रीमुख से सुनाई गई है और आध्यात्मिक आधार पर सुनाई गई है, तो उसमें बहुत कुछ हमको सीखने के लिए मिलता है। और मैंने क्या किया है, जो श्री राम के बेस पे मैंने जो टैरो कार्ड, हम टैरो कार्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग टैरो को समझेंगे, तो मैंने ये ओरेकल कार्ड्स बनाए हैं जी, श्री राम सीता जी और राम दरबार के कई अलग कैरेक्टर्स को लेके जी, सब चरित्रों का समावेश करके जो कार्ड्स बनाए हैं मेरे राम, और इसी पर मेरी एक किताब भी आ रही है मेरे राम पे। क्या बात है। जिसमें आप जैसे टैरो कार्ड सीखते हैं वैसे ही इन ओरेकल कार्ड्स को भी आप सीख सकते हैं। ओके। है ना, इसमें भी, और इसमें एक्यूरेसी काफी ज्यादा है जी, क्योंकि ये कैरेक्टर्स को भी डिफाइन करती हैं और घटनाओं को भी डिफाइन करती हैं। तो जो भी इस चीज को सीखना चाहते हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहती हूँ ऑनलाइन। कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टैरो कार्ड जैसे आपने कहा कि रमल, तो मैंने 9th क्लास से स्टार्ट किया जी, और कंटिन्यू आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, कंटिन्यू आपने उसका, कहते हैं ना कि ध्यान और कहीं ना कहीं जीवन में लाने का एक प्रयास, क्योंकि आप जब कुछ सीखते हैं उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल डालता है। और टैरो कार्ड की अगर मैं बात करूं, आजकल बहुत सारे आपको हर गली में टैरो कार्ड रीडर मिल जाएंगे, जैसे हर गली में कवि मिल जाते हैं, एक एटमॉस्फेयर सा लगाते हैं। आपने देखा होगा टीवी चैनल में कि मोमबत्ती जल रही है, वो लाइट सा हॉरर टाइप का सॉन्ग रहेगा, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में म्यूजिक, देन उसके बाद वो महिला जो है, चाहे वो रमल का प्रयोग कर रही हो चाहे वो टैरो कार्ड, वो अपने नेल्स दिखाती है, फिर उसके बाद बताती है कि नहीं भैया अब ये ऐसा होगा, तुम्हारी लाइफ में ऐसा होगा। कई बार लोग डर जाते हैं उससे, जैसे आपने कहा था। ये जो है ना, ये जिप्सी मेथड है जी। जिप्सी मेथड क्या होता है कि बंजारे लोगों की जो प्रवृत्ति, तो हम भी अगर देखें फोक टेल्स अगर हम सुने, लोक कथाएं हम सुने, तो काफी सारी चीजें, अगर आप बंगाल में भी जाएंगे तो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थी राक्षसों की, ब्रह्म राक्षसों की, चुड़ैलों की, बेटा सो जाने की, तो सो जाने तो ये हो जाएगा। तो ये जो लोक कथाएं हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं से डर जो है वो पैदा होता है। पर जब हम बात कर रहे हैं अध्यात्म की, जब हम बात कर रहे हैं संस्कृति की, हमारे संस्कारों की, तब हम डर नहीं क्रिएट कर सकते। हर चीज के पीछे एक लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन है। आज इस चीज को हम मानने लगे हैं, लोग सब मानने लगे हैं कि सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से, सही बात, वो हमारे हनुमान चालीसा में बताया गया है, श्री रामचरितमानस में बताया गया है। तो आज से कई वर्षों पहले ये चीज जो है हमारे ऋषि मुनि जानते थे, हमारे जो विद्वान थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, उनको इस चीज का ज्ञान था। और अब जो ये टैरो रीडर्स, ये जो डर का वातावरण, आप अगर देखें तो एस्ट्रोलॉजर्स भी आजकल यही कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में राहु है, केतु है, कालसर्प दोष है, ये दोष है, वो दोष है, विष योग है, ऐसे ऐसे योग हैं आपके कुंडली में कि लोग ना डर के मारे, पंडित जी क्या करें। आजकल डॉक्टर के पास कम और ज्यादा जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हर कोई अपने आप को ज्ञानी बताने लगा है। मैंने जब टैरो सीखा था आज से 12-13 साल पहले, तो मैं बता रही हूँ मुझे 50,000 की फीस लगी थी सीखने के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया था जी। और मैंने जब उस चीज को सीखा था तो मुझे उसमें बड़ा कि क्लेंस करना है, एनर्जाइज करना है, ये करना है,
बहुत सारे मेथड्स आते थे, सेज चाहिए है आपको, अगरबत्ती डिफरेंट डिफरेंट चाहिए है, मैंने जब अरोमा थेरेपी सीखी उस टाइम पे भी, क्रिस्टल हीलिंग सीखी उस टाइम, तो मैंने सारी चीज़ें तो कंटिन्यू नहीं की, लेकिन मुझे ये टैरो में बड़ा इंटरेस्ट था। और जैसा मैंने अब अध्यात्म रामायण के आधार पर मेरे राम कार्ड्स बनाए हैं, उसके पहले मैंने श्री शिव के ऊपर, शिव जी के ऊपर, मैंने शिव और उनकी 64 योगिनी के ऊपर शिव शक्ति कार्ड्स भी बनाए हैं। और ये जो हैं ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं। मैं शैव हूँ, मैं शिव की अनंत भक्त हूँ, क्योंकि शिव जी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दी हैं, मेरे औकात से बढ़ के दी हैं, मेरी हैसियत से ज़्यादा बढ़ के दी। और जब मेरे प्रभु श्री शिव के, प्रभु श्री राम फेवरेट हैं, तो मैं राम जी के गुणगान क्यों ना करूं। इस चीज़ को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए मैंने रामायण अपनी बांग्ला में भी पढ़ी, हिंदी में रामायण पढ़ी, रामचरितमानस का तो हमारे घर में रोज़ ही पठन पाठन होता है। और आध्यात्म रामायण पढ़ने के बाद में मुझे लगा नहीं, मुझे आध्यात्म रामायण के आधार पर जो दरबार है उसको डिस्क्राइब करना है। और ये सारी चीज़ों को लाते हुए टैरो से जब मैं इस चीज़ में लेकर आई हूँ, आध्यात्म रामायण के बेसिस के जो कार्ड्स में लेकर आई हूँ, तो यहाँ डर खत्म हो जाता है। रामशिला का प्रश्नावली जो आपको रामचरितमानस में हर जगह मिलती है, आप अगर अग्रवाल जी के कैलेंडर्स में देखें तो आपको मिलती है पंचांग में, राम नारायण एंड सन्स, लाला राम स्वरूप राम नारायण एंड सन्स में मिलती है, आरसी एंड सन्स में मिलती है। तो आप घर घर में रामशिला का प्रश्नावली पे कार्ड्स ये बेस करते हैं। बहुत पुराने ज़माने में इंडिया में, भारत में, हमारे तोते लेके बैठते थे, कार्ड्स निकालते थे, भविष्य निकालते थे। तो आप ये समझिए कि हमारे टैरो कार्ड वही हैं, इंट्यूटिव टैरो कार्ड वही हैं, लेकिन आपकी क्या मनस्थिति है, आपकी क्या ग्रह स्थिति है, उस चीज़ को और डिटेल्ड वे में और एलैबोरेटिव वे में बता देते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। और इंट्यूटिव टैरो रीडिंग का अलग है सीखना सिखाना। जो लोग ये बोलते हैं कि आप 30 दिन में रीडर बन जाएंगे, ये तो सिर्फ आप मोटा मोटी एक सीख के बना सकते हैं या बन सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो 3 साल 5 साल सीख के, एस्ट्रोफिजिक्स करके, जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो मैथमेटिक्स के बेसिस पे गणना करके आते हैं। और लोग जो है आजकल क्लेम करते हैं कि 3 दिन के वेबिनार में आप सीख जा रहे हैं, 6 महीने में सीख जा रहे हैं। देखिए ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप जितना सीखते पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। गुरु से आप जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो गुरु की इच्छा होती है कि आपको ज्ञान वो देना चाहें कि नहीं देना चाहें। और आप जिस ज्ञान को लेते हैं, अगर आपने उस वो ज्ञान बेचना शुरू कर दिया तब तो उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। वो ज्ञान अनमोल है। और जब गुरु सिखाते हैं, आप गुरु दक्षिणा में उन्हें क्या देते हैं वो तो अलग बात है, और आगे गुरु आपसे क्या मांगते हैं दक्षिणा वो एक अलग बात है। ये जो अभी आपने टैरो कार्ड के साथ साथ रमल की बात की जी, लेकिन कुछ आपने अपने चीज ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो ग्रहों के अकॉर्डिंग होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमने सुबह की शुरुआत होती है तो हम धरती माँ को प्रणाम करते हैं, अपने हाथों को देखते हैं और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कहते हैं। उसके बाद हम अपने दिन की जो दिनचर्या है वो शुरू करते हैं और स्नान करके भगवान को जल अर्पित करते हैं। लेकिन वो स्नान करने में आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पूरे दिन जो है इफेक्ट डालती है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सूप बनाए हैं, बहुत सारे बॉडी वॉश भी हैं, लेकिन ये कैसे हैं, क्यों बनाए हैं, इसमें क्या मटीरियल यूज हुआ है और आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस पे आप पूछते हैं आपसे। अब वहीं से मैं बात शुरू करती हूँ एस्ट्रोलॉजी से दोबारा। एस्ट्रो और टैरो, हम लोग क्या करते हैं कि रेमेडीज देते हैं लोगों को कि ये आपकी दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे कर लीजिए। पंडित के पास भी आप जाएंगे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स आपको कभी एकदम बहुत महंगे रत्न, बहुत महंगे मालाएं और कुछ धारण करने नहीं बोलेंगे। सबसे पहले वो ये बोलेंगे कि आप जाके किसी नदी के पास डुबकी लगा लीजिए, या आप जल में ये मिला के नहाना शुरू कीजिए, या आप जल में कुछ मिला के सूर्य भगवान को अर्घ्य देना शुरू कीजिए, आपकी स्थिति सही होनी शुरू होगी। जिन लोगों ने बिल्कुल ही इस चीज़ को कमर्शियल बना लिया है, उनके पास आप जाएंगे तो बड़े बड़े खर्चे बता देंगे, बड़े बड़े आयोजन अनुष्ठान। लेकिन अगर इंसान परेशान है, यदि इंसान पहले से ही परेशान है और परेशान होके किसी ज्योतिषी के पास आ रहा है और वो उसे खर्चा बता दे कि भाई आप तो 51,000 रुपये के नीचे कुछ हो ही नहीं पाएगा, 21,000 के नीचे हो ही नहीं पाएगा। अब जो इंसान है, हाँ आपको कुछ एनर्जी एक्सचेंज देना पड़ता है, कुछ आप गुरु दक्षिणा, जब तक ज्योतिष की दक्षिणा नहीं देंगे तो आपका भी फलीभूत नहीं होगा। और ज्योतिष तो वैसे ही जो साधना है अपने आप में श्रापित साधना है, भृगु संहिता के हिसाब से अगर आप जानते हैं देखते हैं, तो एक
श्रापित विद्या है, क्योंकि किसी का भी भविष्य क्या है वो बताना नहीं चाहिए। तो ज्योतिष जब अपने ऊपर आपका एक लेता है ब्लेम, तो आपका फर्ज बनता है कि आप ज्योतिष को छोटा सा दक्षिणा दीजिए, लेकिन बिना दक्षिणा के कभी आप ज्योतिषी से कोई भी विवेचना ना करें। तो हमने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर, अगर हमने अब किसी को एक वो दिया रेमेडी दी कि आप पानी में दही मिला के नहाएं, चंदन मिला के नहाएं, हल्दी मिला के नहाएं, दूध मिला के नहाएं, बहुत सारी चीजें हैं, सिंदूर मिला के नहाएं, कई बार क्या होता है, अब आजकल हर घर में लोग जॉब्स में चले जाते हैं, जल्दीबाजी है, भूल जाते हैं, कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती, शहरों में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती। तो मैंने ये अरपास सोप वेदा करके अपना एक रेंज शुरू किया है। अब आपको यहाँ बहुत कलरफुल चीजें दिख रही होंगी सिमरन जी, ये ब्लू कलर का है, ये भी ब्लू कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये भी ग्रीन कलर का है, ये मैंने कलर इसलिए दिए हुए है ताकि पता चले कि कौन सा किस चीज के लिए। अभी ये शनि, ये शनि के लिए है जी। है ना, नीला रंग जो है वो शनि के लिए है। इसमें हमने जो शनि को शांत करता है, शनि को फेवरेबल बनाता है, वो सारी चीजें हमने इसमें मिलाई हुई हैं। एसेंस भी हमने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले डाले हुए हैं। ग्रीन जो है ये बुध के लिए है, आपकी केतु के लिए, राहु के लिए हमारे पास में ये चॉकलेट बेस की चीजें हैं। इसमें हमने मिट्टी का भी बेस रखा है, चॉकलेट भी है, बटर भी है, जो जो चीजें किसी चीज को शांत करती हैं ये सारी उस हिसाब से हमने इंग्रेडिएंट्स मिला के बनाए। सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, शुक्र के जो परेशान होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, तो हमने ये शुक्र के लिए वाइट बनाया है। इसमें प्योर मिल्क है, क्रिस्टल्स कपूर है, जल कपूर, और बिल्कुल प्योर ग्लिसरीन एंड कोकोनट बेस का सोप बेस हमने यूज किया है। होता क्या है सिमरन जी, छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकती हैं। अभी मैं उस दिन देख रही थी फेसबुक पे या शायद शॉर्ट्स में कि किसी ने कहा है कि गुप्त दान कीजिए, साबुन के कलर से आप नहाते हैं तो भी फर्क पड़ता है। तो आप अगर बताएं, साबुन के कलर से अगर डिफरेंस आ सकता है, तो जब आपके पास ओरिजिनल केसर चंदन मिले हुए चीजें अवेलेबल हैं, तो क्या ये असर नहीं करेंगी? तो बिल्कुल, जितने लोग देख रहे हैं और अगर चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए और बहुत मेहनत ना करनी पड़े, तो ये जो प्रोडक्ट हैं वो ग्रहों के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और दूसरा ये आपकी लाइफ में आपकी राशि के अकॉर्डिंग जो है, जो ग्रह भी आपको परेशानी दे रहा है, इनको आप यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली है तो, और बहुत कम में, बहुत मतलब कम में। हमने कोशिश ये की है कि कम से कम दाम देकर लोग उस चीज को खरीद सकें, ऑर्डर कर सकें, क्योंकि क्या है, आपको बहुत महंगे रेमेडीज आप तब करोगे जब चीजें आपकी लाइन पर आनी शुरू होंगी, पटरी पर आनी शुरू होंगी। जब तक आप, अगर मान लीजिए किसी पंडित ने आपको बोला है कि आपको 51,000 रुपए का एक खर्च करके अनुष्ठान कराना है, पर अगर आज आपकी जेब में 501 रुपए नहीं है, तो पहले आप 200 से शुरुआत तो कीजिए कि 200 रुपए खर्च करके आप कुछ कर सके, बेटर हो सके। पहले आप उस स्थिति में तो आ जाइए कि आप 51,000 रुपए खर्च कर लें, उसके बाद आप कीजिए, सारे अनुष्ठान करवाइए। भाई भगवान ने कभी किसी से कोई पैसे नहीं मांगे हैं कि आप मेरे दर्शन करने आओ तो आप पैसा चढ़ाओ, या आप अगर इतना बड़ा अनुष्ठान नहीं करेंगे तो हमारा नहीं होगा। लोगों ने, जिन्होंने बिजनेस बना लिया, और कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि किस चीज़ का क्या कैसे करना है, और वो प्रकांड पंडित बन के जो बैठे हुए हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि टोटके और एग्जैक्टली क्या होता है, आपने बहुत बड़ी बड़ी किताबों को आपने सिर्फ टोटके की किताब बना के रख दिया। मैं कई बार एक्चुअली इनका विरोध करती हूँ सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, आस्तिक नहीं हूँ। तो मेरा ये कहना होता है कि भाई प्रभु जो है वो तो आप जल अर्पित कर दे उतने में खुश हो जाते हैं, दो फूल चढ़ा दें उसमें खुश हो जाते हैं, लेकिन जब से ये टोटके वाले सो कॉल्ड साधु कह सकते हैं या सो कॉल्ड पंडित बने हुए हैं, ये एक्चुअली पंडितों और ब्राह्मणों पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर इतने टोटके चल रहे हैं, तो ना कोई जो है जॉब पे नहीं जाएगा, घर से ही बैठे उसको आमदनी हो जाएगी, किसी को हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, संबंध ऐसे ही सुधर जाएंगे जो बिगड़ रहे हैं। तो फिर अगर आप देखिए, इतने सारे लोग आते हैं लाखों की संख्या में इन सबके पास, लेकिन हर किसी के यहाँ वो विवाद की स्थिति होती है, तलाक की स्थिति बढ़ रही है, और ये जो टोटके हैं कि भैया अपने पति को वश में आप ऐसे कीजिए, अपनी सासू माँ को ऐसे वश में कीजिए, बच्चे को इस प्रकार से हिप्नोटाइज कीजिए, तो सारे बच्चे मैरिट आ रहे होते हैं, लेकिन कर्म करना यहाँ भूल जाते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं इस पे, देखिए जो व्यासपीठ पे बैठे लोग कुछ बोल रहे हैं, तो वो तो कम से कम जानकार लोग हैं।
आप जो आजकल मेरी विनती है लोगों से, और मैं हमेशा ये खुल के बोलते आई हूँ कि जो लोग ड्राइंग कर देते हैं कि ये ड्राइंग कर लीजिए इससे आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, आप ये मंत्र बोल दीजिए इससे आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, सिजिल बना लीजिए, नहीं, नंबर्स की ताकत है सिमरन जी। हर किसी के अलग अलग शास्त्र अनुसार, अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से हर चीज़ में पावर है। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, वही स्विच वर्ड्स आप इंग्लिश में भी बोलते हैं वैसे ही स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर्स आपको इटालियंस मिलेंगे, ठीक है, लेकिन क्या हमारा सनातन धर्म कमज़ोर है कहीं भी कि हमें दूसरों का सहारा लेना पड़े? क्या हमारे वैदिक मंत्रों में वो ताकत नहीं है? हमारे वैदिक मंत्र जो हैं वो कीलित ज़रूर हैं, लेकिन जब आप गुरु से ज्ञान लेंगे तो उस ज्ञान का आप पूरा पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। बिना नाम लिए मैं बोलूँगी, बहुत तो लोगों का लोक कल्याण भी कर रहे हैं, लेकिन जिन लोग टोटके के आधार पे कि ये करो वशीकरण हो जाएगा, वो करो वशीकरण, आप प्रेम करो क्यों नहीं वशीकरण होगा, आप अपने मन को स्थिर करो क्यों नहीं चीज़ें सुधरेंगी। हाँ, कई लोगों ने मुझसे आके पूछा कि हम ये टोटका करते हैं, हमने शिव मंदिर पर ऐसा किया, जिन्होंने बोला उन्होंने भी तो एक कथा कहीं से सुना के आपको बोला, तो जिन भगवान शास्त्रों में देखे लिखा हुआ भी है, पुराण है, आपने अगर शिव महापुराण का पाठ किया हो तो शिव महापुराण की जो कथाएं हैं उनमें आपको सारे रेमेडीज मिलेंगे, कुछ भी नया कोई नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप जहां बैठ के कुछ बोल रहे हैं तो आपकी बात सच और दूसरे की बात निराधार, ये गलत है। कभी भी किसी के ऊपर कमेंट करने से बचना चाहिए, कोई भी, मैंने खुद सुना है, मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके बोलूंगी, इस्कॉन मंदिर के एक भक्त थे, उन्होंने मुझे क्या कहा कि आपके शिव जो हैं वो नकली भगवान हैं और आपकी जो माँ काली हैं वो नकली भगवान हैं, असली भगवान केवल एक हैं। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि आपने त्रिदेव को अलग करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग करके, आपने विष्णु को आगे कर दिया और आपने शिव को बोल दिया कि नकली भगवान है, तो आपने कहां से सीखा ये चीज, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके भगवान कहां से आए हैं, आपके गुरु ने आपको सिखाया है? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, उसका बेस जानने के लिए आप संविधान पढ़िए, बिल्कुल ठीक है, और ये सबको हम दूर कर दें। मैं विष्णु को मानती हूँ, राम जी भी विष्णु का ही रूप है, बिल्कुल मानती हूँ, मैं उनके बिना मैं कोई दूसरा काम करती ही नहीं हूँ, उनसे बिना आज्ञा लिए, उनका बिना नाम लिए मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, त्रिदेवों में से एक हैं, लेकिन वो कंपैरिजन ना किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप गलत चीजें फैला रहे हैं, लोगों के मन को जो भ्रमित कर रहे हैं, वो चीज आप मत कीजिए। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि जो देवता हैं, देवी देवता, सबके पास अपनी शक्तियां हैं, सबके पास अपने पावर हैं, और सब कोई बहुत अच्छे तरीके से अपने आप में पावरफुल है, चाहे वो शिव हो, चाहे वो श्री हरि विष्णु हो, चाहे वो श्री राम हो, चाहे श्री हनुमान जी हो, किसी भी रूप में, माँ काली के रूप में देखें, माँ आदिशक्ति के रूप में देखें, किसी भी रूप में जो हैं वो भगवान जो हैं वो पावरफुल हैं, संपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, जो नियम हैं और जो रेमेडीज हैं वो सब कहीं ना कहीं अब घूम के आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ बोलूँगी कि ये इधर ड्रॉइंग करके, सिजिल बना के, और सिजिल भी जो सही सिजिल है वो बनाइए, कुछ भी ड्रॉ करके कि इसमें ये मंत्र बोलिए और जाके वहाँ से इसका पॉटी उठा लाइए, उसका मांस उठा लाइए, ऐसे ऐसे जो टोटके आ रहे हैं वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या है, आप तांत्रिक नहीं हैं और बिना गुरु के पूरा संपूर्ण ज्ञान होता नहीं है। ये छोटे छोटे रेमेडीज करने के चक्कर में आप क्या है, अपनी अच्छी खासी लाइफ को खराब कर लेते हैं, गलत प्रयोग करके आप अच्छी खासी लाइफ को खराब कर लेते हैं। हाँ, राहु केतु आपके नवग्रह हैं, इनके शांति के जो उपाय आपके पुस्तकों में लिखे हैं, धार्मिक ग्रंथों में लिखे हैं, आप उन चीज़ों को कीजिए ना, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। आपका चंद्र खराब है, आप अपनी माता का रिस्पेक्ट कीजिए, आपका सूर्य खराब है, आप अपने पिता से अपने संबंध अच्छे कीजिए, आपका शनि खराब है, आप झूठ मत बोलिए, आपका केतु खराब है, आप भगवान के मंदिर में जाके ध्वजा का दान करके आइए, आपका राहु खराब है, आप चिड़ियों को दाना चुगाइए, बुधवार के दिन आप सबसे ज्यादा ये कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। आप ये सारी चीजें भी तो कर सकते हैं ना, कोई महंगा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, शिवजी पे आपको जल चढ़ाना है, उसके साथ आप कपूर का एक उपाय कर रहे हैं, लौंग का एक उपाय कर रहे हैं, इलायची का एक उपाय कर रहे हैं, ये मसालों में बहुत ताकत है, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं है,
ये हमारे पुराणों के रेमेडीज हैं जो इतने सालों से चले आ रहे हैं, सनातन संस्कृति है ये कि आप इस चीज का चढ़ावा चढ़ाएंगे तो आपका ये जो दोष है वो दूर होगा। तो इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं है, ये हमारे महापुराण की कथा है, उस कथा के आधार पर कि उन्होंने कैसे उनको पाप मुक्त किया या रोग मुक्त किया या दोष मुक्त किया, इसकी रेमेडी आपको उस कथा से मिल जाएगी। आप कथा पढ़िए, कथा सुनिए, सब कुछ कीजिए, टोटके मत मानिए। और टोटके में भी क्या है, आप अपना भला कीजिए, जग कल्याण कीजिए, सबके कल्याण की कामना कीजिए, समझ में आता है। इसके मृत्यु के लिए आप मिर्ची टॉयलेट में फेंक दीजिए, उसके वशीकरण के लिए आप जाके नींबू काटिए, सिंदूर मिला के ये करिए, ये सब से क्या होगा ना, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और कहते हैं ना कि हम अगर अपना भला करने और दूसरे का बुरा करने निकलते हैं तो अगला गड्ढा जो होता है वो आपके लिए तैयार रहता है। कर्म ने किया है, कर्म जिसे हम कर्मा कहते हैं, हमारा जो कर्म है ना ये हमारे ऊपर लौट के आता है। लोगों ने ना स्वर्ग देखा है ना नरक देखा है, मृत्यु के बाद क्या है वो सिर्फ किंवदंतियां हैं, लेकिन इसी लोक में आपने अगर अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा। आप अगर किसी का बुरा चाहेंगे तो आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि आपकी सोच से ही आप बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स जब हम पढ़ते हैं, ब्रह्मांड, हम तो उसका एक कण है। आप सोचें, जब हमने कुछ सोच लिया और ब्रह्मांड ने उस चीज को समझ लिया और हमको दे दिया, अगर ब्रह्मांड इतना पावरफुल है तो हम तो उसका सिर्फ अंश मात्र हैं। अब इसका उल्टा आप देखें तो हम अगर कितने पावरफुल हो सकते हैं, माइंड मैपिंग करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल इतना चल रहा है, मैंने भी उसमें एक कोर्स किया हुआ है, लाइफ कोचेस बहुत बोलते हैं, मैं भी लाइफ कोचिंग करती हूँ, लोगों को गाइड करती हूँ, और उसमें जब मैं ये सुनती हूँ कि हम ऐसा करना चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं, तो इसका पहला रूल यही है कि आप गलत मत कीजिए किसी के साथ। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हमारा सनातन धर्म जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है। ब्रह्मांड शास्त्र पढ़िए, आपको लॉ ऑफ यूनिवर्स पता चल जाएगा। आप सनातन धर्म के 18 पुराण पढ़िए, चारों वेद पढ़िए, 6 शास्त्र पढ़ लीजिए, आप ज्ञान का खजाना है आपके पास। किसी का आप अनादर मत कीजिए, किसी का बुरा मत चाहिए, और ये जो टोटके टोने जादू इन सब चीज़ों से दूर रह के अच्छे मन से भगवान को मानिए। हाँ, गाइडेंस के लिए जो ज्ञानी हैं, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स वाकई में जानते हैं, आप उनके पास जाइए। सबसे मेन बात रहेगी कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको डराएगा नहीं, जो भी एस्ट्रोलॉजी का जानकार होगा वो आपको बताएगा कि आपके इसमें ये दोष है, लेकिन हर दोष का निवारण हो सकता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो परेशान हो के सुसाइड करने का ये कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं, मेरे पास खुद ऐसे पेरेंट्स के कॉल्स आते हैं, बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, निराशाजनक स्थिति जो बनी हुई है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लीजिए। जहाँ पर चीज़ें आपके हाथ से बाहर चली गई हैं, मेडिटेट आप नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी भी, आपको स्यूडो साइंसेस की ज़रूरत नहीं है, रियलिटी में जो आपके पास अवेलेबल है खजाना है, और उस निधि का प्रयोग करते हुए आप अपने जीवन को अच्छा बनाइए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात की। और चलते चलते जो सुसाइड वाली बात की, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहते हैं जैसे आपका जीवन है, सुख और दुख जो है एक साइकिल के दो पहिए के समान होते हैं, और साइकिल तभी स्मूथ चलती है जब दोनों पहिए जो है समय समय पर आते हैं। होता यह है कि सुख जब हमको मिलता है तो हम बिल्कुल एंजॉय, पार्टी शार्टी और भगवान को भूल जाते हैं, जिनके कारण सुख मिला है उनको धन्यवाद करना, लेकिन दुख आया तो सबसे पहले ब्लेम कि तुम ही ने किया है, तुम्हारे कारण हुआ है। तो सोचिए कि जब सुख आया, आपने एंटरटेनमेंट किया, तो दुख आया है तो उसको सहने की शक्ति भी रखिए। जिस दिन आपने दुख के साथ तालमेल करना सीख लिया तो कभी आप ब्लेम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, निराशा जीवन में जब भी आए तो आप उन लोगों को देखिए जिनको भगवान ने कंप्लीट यहाँ भेजा रही है, लेकिन वो अपने उस निराशा को भी लेते हुए किस प्रकार से अपने जीवन को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज आप देखिए कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर एक कंप्लीट बॉडी है, लेकिन एक दिव्यांग को देखिए, आज वो खेल में भी महारत हासिल कर रहा है, आज वो कलाकार भी है और लोगों को संदेश दे रहा है कि अपनी कमी से सीखना चाहिए। और जिस दिन आपने उन लोगों को देखना शुरू कर दिया, उनसे पॉजिटिविटी ले ली, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी में सबसे सफल इंसान होंगे। और ज़िंदगी कहते हैं ना कि मानव जो जीवन मिला है
84 लाख योनि के बाद मिला है, तो इसको ऐसे ही मत गवाइए। और जो अर्पिता जी ने कहा लाइफ में उसे देखिए, और साथ ही साथ पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो भाई इनके पास बहुत सारा भंडार है, तो इनसे आप टैरो की भी शिक्षा ले सकते हैं, इसके अलावा रमल विद्या भी सीख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और साथ ही साथ अपने दिन की शुरुआत भाई इनके सोप और बॉडी वॉश से भी कर सकते हैं, और आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं लगा तो आपकी चॉइस है, लेकिन चॉइस है। तो इसलिए महंगे खर्चे, महंगे वाले टोटके के बजाय सिंपल साधारण, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उस जीवन को अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और हम चाहेंगे कि हम वीकली इस प्रकार के कार्यक्रम बनाएं ताकि आपके जीवन में सकारात्मकता आ सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेवा टीवी अक्सर आपके ही आवाज़ को बुलंद करता है, तो आपके हित के लिए ही हम कार्यक्रम लाते हैं। धन्यवाद। जय सियाराम। जय सियाराम।